दोस्तों, क्या आप भुने चने खाने के शौकीन हैं? क्या आप किसी भी टाइम भुने चने खाते हैं? क्या आप जानते हैं भुने हुए चने आपकी सेहत के लिए कितने लाभकारी हैं? दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि भुने हुए चने कई बीमारियों में इतने लाभकारी हैं कि बड़ी से बड़ी दवाइयां भी इसके आगे फेल हैं? साथियों, आज मैं आपको भुने हुए चने के ऐसे फायदे बताऊंगी कि आप आज से ही भुने चने खाना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है समर। साथियों, आज के दौर में लोगों को जंक फूड खाने का खूब चस्का लगा है। ये खाने में तो अच्छे हैं लेकिन सेहत को बड़ा ही नुकसान देते हैं। दूसरी ओर हम जिस फूड आइटम की बात कर रहे हैं वो खाने में तो बड़े साधारण लगेंगे लेकिन फायदे जबरदस्त। ये फूड आइटम है भुना हुआ चना। सबसे पहले ये समझो कि भुने हुए चने में होता क्या है। असल में भुने हुए चने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति को रोजाना 50 से 60 ग्राम भुने चने का सेवन करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इतना चना रोज खाएंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसके फायदे सुनने के बाद आज से भुने हुए चने को लेकर आपका नजरिया बदल जाएगा। साथियों, अगर आपको पुरानी से पुरानी कब्ज है तो आपको रोजाना 2 मुट्ठी भुने हुए चने खाने का जरूर ध्यान रखना चाहिए। भुने चने खाने से आपको आराम मिलेगा, साथ ही कब्ज की वजह से हो रही और दिक्कतों में भी आराम मिलेगा। पुरानी से पुरानी कब्ज को भुना हुआ चना खत्म करता है। अब दूसरा बड़ा फायदा समझिए, आजकल लोग वजन घटाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन अगर आप भुना हुआ चना खा ले तो ये आपके पेट और वेट दोनों को कम करने में बड़ा मददगार है। असल में साथियों, भुने हुए चने में फाइबर और प्रोटीन होता है। जब इसका सेवन करते हैं तो लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है, जिससे भूख जल्दी नहीं लगती। इससे वजन को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों, अब समझिए भुने चने का तीसरा बड़ा फायदा। साथियों, ये खून की कमी को भी दूर करता है। अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम है तो भुने चने का सेवन करें। भुने हुए चने में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो खून की कमी को दूर करता है। दोस्तों, अब समझिए भुने चने का चौथा और सबसे बड़ा फायदा। साथियों, ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। रोस्टेड चने का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों, भुने हुए चने का सेवन करना डायबिटीज पेशेंट के लिए भी लाभकारी है। भुना हुआ चना ग्लूकोज को सोख लेता है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसी वजह से शुगर रोगियों को भुने हुए चने का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमें भुने हुए चने कब खाने चाहिए ताकि हमें इनका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। दोस्तों, भुने हुए चने को यूं तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसका सेवन सुबह के समय करते हैं तो इससे आपकी सेहत को और भी फायदा होगा। और अगर आपको शाम को कुछ खाने की क्रेविंग हो रही है तो भुने चने खाने से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। साथियों, हम भूख लगने पर अक्सर जंक फूड खा लेते हैं। आज से ही जंक फूड को कहिए ना और भुने हुए चने को कहिए हाँ, और भुने चने आज से ही खाने शुरू कर दीजिए। साथियों, उम्मीद करती हूँ आज जो समर ने आपको ये काम की जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। इसलिए जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एक सही जानकारी मिल पाए। शुक्रिया।